Thank you so much. Bahut exciting times mein hu main abhi. I'm really loving being on the digital space. Did a show abhi typewriter kiya hai. Netflix pe jo release hua hai. Aur ek hi mahine mein do shows saath release ho rahe hain. Sacred Games season 2 is coming out, so really looking forward to it. तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. देखिए, एक ऐसा शो है जहाँ पर बहुत सारे जो आपके लिए राइट्स होते हैं लाइफ में, वो मेरे लिए काफ़ी टिक मार्क्स हो गए. एक तो फैंटम के साथ काम करना, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे एक शो पे काम करना, नीरज खेवान, विक्रम मोटवाने के साथ काम करना, सैफ अली खान के साथ काम करना, नवाज के साथ, तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. आई एम वेरी हैप्पी आई एम अ पार्ट ऑफ द शो और सीजन 2 पे भी हूँ. तो बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा है, सीखने को बहुत मिला है. जब आप ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं ना, तो आपकी विशलिस्ट में होता है एज एन एक्टर कि आप इनसे सीखें, इनसे चीज़ें इम्बाइब करें. तो आई फील एज एन एक्टर मैंने बेहद अपने आप को मतलब अपने सौंप दिया था अपने आप को इनके हाथों में. और जो वो कहते हैं, उनके जो सजेशंस होते हैं, जिस तरीके से वो आपको परफॉर्म करवाते हैं, वो वाकई मतलब बहुत मज़ेदार होते हैं. और आपको एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो भाई सैफ इज़ अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद. व्हाट अ जॉय इट इज़. बहुत सीनियर हैं और बहुत सीखने को भी मिलता है उनसे, जिस तरीके से वो अपने रोल को, अपने काम को लेते हैं. और वरना ही जोक्स अ लॉट ऑन सेट, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. तो ऑन द होल आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ लवली टाइम एंड वेरी हैप्पी. मैं इस डिजिटल स्पेस पे अपने आप को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ. एंड यू नो अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं. एज एन एक्टर आई एम पुशिंग माई सेल्फ एंड एंजॉइंग द होल एक्सपीरियंस. आप कहानी जाना चाहते हैं मुझसे? देखिए, ये सबकी जबान पे कि क्या होगा सीजन 2 पे, पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सारी जो जो मसला था 25 दिन का, जो सारी चीज़ें जो जो सामने आई थी सीजन 1 में, उन सब का जवाब सीजन 2 में मिलेगा. और हाँ, एक्साइटमेंट उतनी रहेगी, थ्रिल्स उतने रहेंगे, मज़ा भी उतना ही रहेगा. तो ओवरऑल ये जो जॉय राइड है सीजन 1 की, ये अब निकल के सामने आने वाली है. और एक एक ऐसा धमाका आने वाला है नेटफ्लिक्स पे कि जो एंटिसिपेशन है लोगों की, वो पूरी होगी, पूरी तरीके से होगी. और मैं आपको बता दूं कि मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी है. जिस तरीके से कहानी बनाई है और जो एम्फेसिस किया है और जो जो पूरा जो मसला है, उसका समाधान आपको मिलेगा सीजन 2 के अंदर. ओके, सो आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं सीजन 2 में? मैं जो सीजन 1 में रोल प्ले कर रहा था, मेरे कैरेक्टर को थोड़ा सा एस्टैब्लिश किया था. यहाँ पर मैं और कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ. मार्कंद मेरे कैरेक्टर का नाम है. मार्कंद जो है वो IB से हैं. और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो IB को रिप्रेजेंट कर रहा है. और IB एक ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साथ में इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा टू प्ले एन ऑफिसर फ्रॉम द IB. और जिस तरीके की जो साथ में कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन थी, जो पता करना कि क्या हो रहा है बॉम्बे के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, ये पूरा रोल है. वेल, मैं मुझे लगता है कि अभी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और इतने सारे शोज बन रहे हैं, ये एज आई थिंक आपको करेक्टली चूज़ करना चाहिए कि ये जो शो बन रहा है उसका स्केल क्या है, उसे कौन बना रहा है. तो मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन बना रहा है उसे और उसका सोच क्या है शो के बनाने में. सेकेंडली, कि ये जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो मतलब ये कितना मुझे पसंद है. फिर वो दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हाउ यू वॉन्ट टू सी कि आप अपने आप को एज एन एक्टर कितना पुश कर सकते हैं. और यू नो जो मतलब जैसे सुजॉय घोष के साथ अगर टाइप, तो मैं डायरेक्टर को भी देखता हूँ कि जो डायरेक्टर हैं वो अच्छे हों, वो बढ़िया हों, मेरे विशलिस्ट पे हों, जैसे मैं साथ काम करूँ. तो आई एम एंजॉइंग लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो के साथ एक शो साइन किया है मैंने विद रोहन सिप्पी. तो जो भी कर रहा हूँ, चूजिंग द बिगेस्ट एंड द नाइसेस्ट वंस. ओके, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मैं मीडिया के जो हर एक भाग है उसके अंदर मैं काम करता हूँ, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो टेलीविजन पर एक्टिंग हो, चाहे वो एंकरिंग हो क्रिकेट की हो, और अब डिजिटल स्पेस में जो मैं कर रहा हूँ. तो ये मुझे बेहद मज़ा आ रहा है. मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं. पर डिजिटल स्पेस में बाकी ये अब मौका है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स का कि वो सामने आए, अपनी कहानियाँ पेश करें. अब कोई यू नो हमारी हिंदी सिनेमा में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, कॉमेडियन होता है, वो सारे जो दायरे हैं अब तोड़ दिए हैं. और जो सोच है एक राइटर की, एक डायरेक्टर की, कि वो क्या बनाएं, अपने मन से बनाएं जो बनाना चाह रहे हैं, तो उन्हें अब मौका दिया जा रहा है कि वो अपने स्क्रिप्ट्स को सामने लेकर आएं. और लोग भी बहुत पसंद करने लग गए. सिनेमा व्यूअर्स विल ऑलवेज बी सिनेमा व्यूअर्स, टेलीविजन व्यूअर्स की अपनी जगह है, लेकिन ये जो बिंज वॉच होता है डिजिटल वर्ल्ड में कि आप बैठे हैं फैमिली के साथ,
या वाइफ के साथ या दोस्तों के साथ, यू नो, 8 एपिसोड बैक टू बैक देख लें, वो कई सारी रातें होती हैं, कई सारे दिन होते हैं. मैं खुद एक बिंज वॉचर हूँ, जब मैं शो शुरू करता हूँ मुझसे रोका नहीं जाता, तो मैं पूरी रात भर बैठ के देख लूंगा. तो आई थिंक इट्स ग्रेट, यू नो, एक और जरिया है ताकि लोग अपने आप को एंजॉय करें. होता है कि आप जब टेलीविजन देखते हैं तो यार अगले दिन क्या होगा, फिर वेट करना पड़ता है. यहाँ पर एक झटके पे आपने स्टार्ट टू एंड पूरा देख लिया और वो 8 घंटे बड़े एंजॉयबल होते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, टाइपराइटर हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे और बहुत ही उससे अच्छा अप्रिसिएशन मिला है. काफी अच्छा है. करेक्ट. तो मेरा रोल उसमें पीटर का है, पीटर फर्नांडिस, जो एक क्रिश्चियन आदमी है, और ये बेसिकली अपनी फैमिली के साथ गोवा जाता है, उसके वाइफ के एंसेस्ट्रल होम में जो जिसका नाम बार्डेज विला है. और उस बार्डेज विला में कुछ ऐसी बात है जो जो मतलब लोगों को डरा सकती है. तो कुछ सीक्रेट्स हैं उस विला के, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी आ जाती हैं सामने कि पूरी फैमिली और काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं. तो ये एक फैमिली मैन है, ही लव्स हिज वाइफ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, आर्किटेक्ट है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहा है गोवा पे. उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हो रही हैं शादी से दूर जो जो बाकियों को पता नहीं है, जो आप जब शो देखेंगे आपको एहसास होगा. और वो बिल्डअप है एक सीजन टू का कि आने वाले सीजन में क्या होगा, और वो जो क्या सीक्रेट्स हैं जो ये छुपा रहा है लोगों से, वो खुल के सामने आएंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा. ये बार्डेज विला जो है, इतना शानदार विला बनाया उन्होंने, जो पूरा कंस्ट्रक्ट किया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो मैं हैरान हो गया देख के कि मतलब आप एक एज अ मेकर आप इतना डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं कि जो जो पूरा वुडवर्क है, जो जिस तरीके से बनाया है, और सुजोयदा के साथ काम करना, मतलब वो जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा है. इतने शानदार आदमी, इतने ईजी चिल्ड आउट रिलैक्सड आदमी, आपको एज एन एक्टर इतना कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, चाहे 12 घंटे की शिफ्ट हो, 18 घंटे की शिफ्ट हो, द मैन इज ऑलवेज लाफिंग, मुस्कुरा रहे हैं. कुछ कभी आपने फंबल कर दिया, रीटेक हो गया, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और इन मतलब और इतना श्योर है. मुझे याद है जब शूटिंग के दौरान वो बदला की भी एडिटिंग कर रहे थे, तो मतलब 13 घंटा हमारे साथ शूट करना, निकलना, एडिट स्टूडियो में जाना, वहाँ पूरी रात एडिट करना, दोबारा सेट पे आना. सो यार मतलब इश्क करते हैं जो जो काम करते हैं उससे. ओके, सो लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी फर्दर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन? As I said, I just finished shooting for FOMO Shorts for Amazon, season 2. Very excited about it. What's it all about? FOMO Shorts is a very popular show that's come out on Amazon. It did really well, season 1. Uska dusra bhaag hai, where I'm, it's a story of the trials and tribulations of women in the city that are represented through these 4 actors, 4 girls who are on the show. Toh wo khatam kiya hai. Bahut interesting kaam raha hai uska. And people are looking forward to season 2 that should be out soon. And as I mentioned, I've signed a show with Jio, with Rohan Sippy, sir. And that is a big show and again, a mysterious show. Thoda, usme bhi kaafi mystery hai. Toh kuch ho raha hai meri life mein, aise mystery wali cheeze aa rahi hai. Par wo bhi shuru hoga at the end of the year. Wo thoda baraf mein hai, setting hai, thoda pahadon mein setting hai. So that's something I'll be starting off. Okay, so Sacred Games ki koi memories aap share karna chahenge? Like Saif Ali Khan ke saath apna itna work bitaya, Nawazuddin ke saath itna work bitaya. Any like offset jo bhi masti wagaira hoti hai, agar wo aap thoda bata dena, kitni after shooting kitni masti aur kitni bonds aap log share karte ho?